तस्वीरों में दिख रही ये जर्जर सड़क गोड्डा के बरमसिया गांव की है। सड़क की बदहाली का नतीजा ये है कि यहाँ मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए मुख्य सड़क तक कंधे पर ढोया जाता है, और अगर किसी गाड़ी को आपातकाल हालातों में यहाँ आना हो तो उसे घूमकर और लंबा रास्ता लेना पड़ता है। सड़क पर मौजूद नुकीले पत्थरों से अक्सर दोपहिया वाहनों के अंजर पंजर ढीले पड़ जाते हैं। बहुत दिक्कत, हमने को मालूम ऊपर ना लगल पड़े से, और आदमी आवे जावे में आदमी आवे जावे को बड़ी दिक्कत। गाड़ी घोड़ा घुसा हो गांव में? नहीं, कौन गाड़ी हा? गाड़ी ई गांव में हा? गाड़ी तो घुसते वो सर पर आवे के रोडे पर रह जाते। अरे हां, रोडे पर रह जाते। कहीं ना मान ले कोई बड़ बीमार हो लो गाँव में, तब कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ तो हम दिक्कतें हो। यहाँ से वहाँ गया मोर वहाँ इतने वहाँ चौकवा पर तब रोड हुआ हमने तब कंधाए पर लेकर लगता हूँ मरीज के। साल 2013 में इस सड़क का पक्कीकरण किया गया, लेकिन काम की खराब गुणवत्ता के कारण सड़क टिक नहीं पाई। और रही बात इसके मरम्मत की, तो कई बार गुहार लगाने के बाद भी ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आश्वासन मिलने का ये सिलसिला अब भी जारी है। विगत दिनों में जो हम पुल पुलिया बनाते थे 20 साल 30 साल में, उसका कभी मरम्मत ही नहीं होता था। तो आप विभाग संज्ञान लेकर जो पुल बहुत पहले बना हुआ है पुल पुलिया, उसको भी हम लोग मरम्मति करने के काम करेंगे। और जहाँ तक मेरे विभाग की बात है, यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो गया, ज्यादा नहीं, हम मास्क तक आपको समय देंगे, आपको ग्रामीण क्षेत्र में सड़क दिखाई देगा, इस बात को हम एकदम विश्वास के साथ हम करते हैं। इंसान हो या सरकारी योजना, गांव तक पहुंचने के लिए सड़क का होना बेहद जरूरी है। सड़क का अभाव न सिर्फ व्यवस्थाओं को बाधित करता है, बल्कि विकास के रास्ते में भी रोड़ा बन जाता है। अब जहां एक सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है, वहां जन प्रतिनिधियों के विकास के वादे भी खोखले नजर आते हैं। गोड्डा से समाचार प्लस के लिए नरेंद्र की रिपोर्ट।